धन्यवाद सभापति महोदय मैं आम बजट दो हजार बाईस तेईस का अपने तरफ से और अपने पार्टी के तरफ से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीय श्रीमती सीता निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट नए दशक में विश्व पटल पर उभरता हुआ आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरह से मजबूती प्रदान करेगा इस बजट में गांव गरीब किसान महिला युवा बुजुर्ग तथा कारोबार कारोबारी सभी को शामिल किया गया है सभापति महोदय वर्ष 2013-14 में यूपीए के कार्यकाल में इस देश में बजट क्या होता था सारे 16 लाख करोड़ रुपया का लेकिन आज जब हम खड़ा होकर के ये बात कर रहे हैं तो एनडीए सरकार में ये बजट 40 लाख करोड़ के लगभग का बना है इसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ पिछले दो वर्षों में कोरोना महामारी के दौरान भी सरकार ने कोरोना के चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को पूरी गति प्रदान करके प्रदान किए कृषि में दो हज़ार के दौरान कृषि उत्पादन भी बढ़े हैं गेहूं और धान का प्रचुर खरीदारी बारह हज़ार आठ मेट्रिक टन हुई किसानों को एमएसपी के ज़रिए दो लाख सैंतीस हज़ार करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में दिया गया ये भारत सरकार का ऐतिहासिक कार्य है देश में रासायनिक खेती को भी प्राकृतिक खेती को भी रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ख़ास करके गंगा स्वच्छता को देखते हुए गंगा के किनारे जो है ऑर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए तिलहनों का उत्पाद को बढ़ावा देने का इस बजट में विशेष प्रोविजन किया गया है एग्री यूनिवर्सिटी कृषि हेत्र कृषि के हित में जो है खोला जा रहा है मिशन शक्ति मिशन वात्स वात्सल्य पोषण जीरो पॉइंट टू लॉन्च किया गया है ताकि महिला और बच्चों में योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके दो लाख आंगनवाड़ियों का विस्तार भी ए, किया जाएगा केंद्रीय बजट में हर घर नल जल योजना के अंतर्गत 80 करोड़ की लागत से 5.5 दशमलव करोड़ घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा प्रावधान किया गया है यह अपने आप में अति महत्वपूर्ण कदम है परंतु यहां मैं कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और उनके नेतृत्व में बिहार में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 90 प्रतिशत घरों में नल जल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी सोच और बिहार के जनता के प्रति जो समर्पण है उनका मैं आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी दूंगा। आज देश में एमएसएमई बेहद अहम भूमिका निभा रही है और कोरोना संकट में भी तीन लाख करोड़ का करोल करोलेटरल फ्री लोन की व्यवस्था भी इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई है इस योजना में सहायता के लिए तेरह दशमलव पाँच लाख एमएसएमई यूनिट को पुनर्जीवित किया गया एक दशमलव पाँच करोड़ रोजगार सुरक्षित किए गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल में पढ़ने वाले गोस्वामी जीरो जी, मैंने सर छठ जाते है उस हैं नहीं है इस, तो ऐसे ऐसे कंक्लूड योर डिमांड्स थोड़ा सा सर सबको मौका मिला है आप तो उदाहरण दे दूंगा लेकिन आप रीडिंग कर रहे हैं ठीक है सर आपकी उदारता बहुत है शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों को पी ई विद्या योजना के तहत एक चैनल एक क्लास भारत से 200 टीवी चैनल के माध्यम से पर आ जाएगा यह भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने वाला बजट है अब तक आम बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस दिया जाता था लेकिन इस बजट में अर्थव्यवस्था के विस्तार को प्राथमिकता दिया गया है इसको हमें महसूस करना चाहिए yes. और देश और दुनिया इसको महसूस कर रही है इसी के लिए मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत विदेशी पूंजी पूंजी निवेश को केंद्र में रख कर के किया गया भारत को नए युग में ले जाने वाला बजट है इससे देश की ताकत और उसकी क्षमता को ध्यान में रख कर के तैयार किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से देश की जीडीपी वृद्धि दर भी 9.2 पॉइंट आका गया है ये अपने आप में ऐतिहासिक है डिजिटल बैंकिंग हर नागरिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से देश के 75 जिला में डिजिटल बैंकिंग इकाई होगा देश में आधारभूत संरचना और तेजी से बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान जो देश के लिए अति महत्वपूर्ण है इसको किया गया है ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का संसाधनों का इंफ्रास्ट्रक्चर yes. का सर आपको डिमांड आपको मांगो फिर डालो अभी बहुत बात है सर कहिएगा तो हम समाप्त कर देंगे जल्दी तो देश को गति देगा सबसे बड़ी बात है सर कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण जो इस वित्तीय वर्ष में पच्चीस हज़ार किलोमीटर रखा गया ये अपने आप में ऐतिहासिक है सर उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों को भी छोड़ा नहीं गया है पंद्रह हज़ार करोड़ रुपया उसका डेवलपमेंट के लिए दिया उसी तरह से चार सौ बंदे मातरम ट्रेन शुरू किया जाएगा और ये स्वदेशी निर्मित और अगले तीन वर्ष में चालू होगा सुरक्षा के क्षेत्र में दो किलोमीटर रे, रेलवे नेटवर्क स्वदेशी तकनीक से होगा उसी तरह से सर आठ लाख मकान इस देश के जो है गरीब परिवारों को दिया जाएगा अड़तालीस हजार करोड़ का प्रावधान के आत्मनिर्भर भारत में साठ लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी इसी तरह से कुशल रक्षा बस हम तुरंत ही खत्म कुशल रक्षा खरीद जो देश के घरेलू उत्पाद के लिए अड़सठ परसेंट देश का घरेलू उत्पाद को खर्चा उसी तरह से राज्यों का विकास के लिए जो है एक लाख करोड़ आर्थिक मदद दी जाएगी इस बार सात पॉइंट पाँच लाख करोड़ पूंजी जो है दिया गया है सभापति महोदय सब पर उदारता की हम लोग को कहिएगा और रात भर बैठ सकते हैं थोड़ा आप... और समय दीजिए नो नहीं नो, नो, आप... विदेश विदेशी यात्रियों का सुविधा के लिए 2022 हजार बाईस में ई पोर्टल खोला जाएगा इसमें शिक्षा स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में आप, आप, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी अब हम बहुत कुछ नहीं बोले कंक्लूड करो आ, ना सर अपनी बात भी तो कुछ बोलने अपनी बात मैं, मैंने पहला बोला आपके साथ देश में अति आधुनिक अभी देश सर सोमा वर्ष में जाएगा इसके लिए कुछ है, तो प्लीज प्रवधान किया गया है और जब आप नहीं चाह रहे हैं सर तो कुछ दुख दर्द अपना भी मेरा सुन लीजिए यहाँ पर वित्त मंत्री जी बैठे हैं आप बैठे हैं पूरा मंत्रिमंडल बैठा है सर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ बिहार में अच्छा अच्छा बिहार का कटिहार देश के बारह आकांक्षी जिला में है सर जो कटिहार जिला है ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर में है अच्छा और कटिहार को बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर को जोड़ने के लिए उन्नीस के बाद कोई काम नहीं हुआ सर वहाँ जो हमारा जो क्षेत्र है जिसमें मेरा जन्म हुआ बारसोई क्षेत्र जहाँ से हम कभी एम होते थे कटिहार से बारसो युवती तो पश्चिम बंगाल की दूरी बहुत कम है सर सत्तर किलोमीटर है और इसको अगर जोड़ा जाएगा एन एच कटिहार से प्राणपुर प्रखंड का बस्तौल रोहिया खोपरा आजमनगर आजम नगर होते हुए बारसोई जोड़ करके बारसोई का बिघोर होते हुए जो है पश्चिम बंगाल में बाहिन से बंगाल बारी होते हुए रायगंज थर्टी फोर को सर अगर जोड़ा जाएगा तो वहां से सीधे बंगाल और बालुर घाट बांग्लादेश तक जुड़ जाएगा सड़क ये सड़क अगर ने? बन जाएगा सर तो ये सामरिक महत्व का भी है सुरक्षा का भी है